हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शादाब खान। मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव के बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि बेसिक चीज़ें बोले तो क्या, बेसिक चीज़ें बोले तो कैसा, उसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डेफिनेट, डिफाइन दी डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मनी केसेस, हाउ कैन यू यूज़ इन माई रियल लाइफ, इन आवर रियल लाइफ इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के इन्वेंट कितने किया, बहुत सारी चीज़ों को हमको मालूम पड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बोले तो क्या, अभी क्वेश्चन नंबर वन कि डिफाइन डेरिवेटिव, आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि डिफाइन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है कि डिफाइन डेरिवेटिव्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ का, हमेशा मैक्सिमम आपको डेफिनेशन याद करना कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं आपको। तो आपको डेरिवेटिव सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं लिखूँ कि डिफाइन डेरिवेटिव बोले तो क्या, डिफाइन डेरिवेटिव अगर किसी ने पूछा कि भाई आप बहुत अच्छा डेरिवेटिव आप सॉल्व कर ले रहे, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा सॉल्व कर ले रहे, लेकिन आपको उसका डेफिनेशन मालूम नहीं है, बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है, तो आप शर्मिंदगी हो जाएंगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आपको डेफिनेशन डेरिवेटिव की याद होना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन क्या बोलेगा कि इट इज़ डिफाइंड एज दी, इट इज़ डिफाइंड एज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है, डिफाइंड डेरिवेटिव, इसके आंसर के अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज़ डिफाइंड एज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। ये अपने को दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको डेफिनेशन में तो ये दो चीज़ याद रखने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, दूसरा क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अब इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शंस, ओके एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शंस। अब y क्या है, अब देखो इसके अंदर वेरिएबल्स की अगर बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स मैक्सिमम टू टाइप के होते हैं। टू टाइप बोले तो कैसे, वेरिएबल्स होते हैं टू टाइप के, दैट इज़ फर्स्ट इज वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। टू टाइप के कैसे हुआ, दैट इज़ एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल टू टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप डेरिवेटिव में वेरिएबल्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इसके बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो डेरिवेटिव की आपको बेसिक चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल की बात करूँ, मैं यही फंक्शन की बात करूँ कि इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स तो दोनों है लेकिन इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से, तो ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये फंक्शन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये फंक्शन x क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके दिस आप दिस टाइप हम लोग को पता चल गया कि वेरिएबल दो टाइप के, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन, डिपेंडेंट क्या है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x। अब x किसी के, अब अगर आपको y की वैल्यू निकालने का है तो x को यहाँ पे चेंज कराना पड़ेगा, कुछ वैल्यू समथिंग देना पड़ेगा तो ही y निकलेगा, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x। अब x किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, तो x इंडिपेंडेंट है y से, लेकिन y डिपेंडेंट है x के, क्योंकि y को अगर आपको फॉर्मूला निकालने का है तो x के कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन देना पड़ेगा जिससे y की एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना। ओके क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ओके
आप क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी आप पहले हमको पता चल गया कि डेफिनेशन क्या होता है। आप क्वेश्चन नंबर टू की जाने से जाते जाते हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर डेफिनेशन है तो उसको इन्वेंट किसने किया, ये हमको मालूम होना ज़रूरी है। अगर हम किसी लॉ को जब पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ तो एकदम सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि न्यूटन्स ने बनाया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉ है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसके लॉ को आपको नाम पता होना ज़रूरी है कि किसने बनाया। ओके स्टूडेंट, तो ये लॉ के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव को किसने ईजाद किया, किसने बनाया, किसने इसको खोजा, किसने इसको रिसर्च किया इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर टू की अगर बात करें हम लोग, हु इज इन्वेंटर ऑफ डेरिवेटिव। अभी स्टूडेंट्स आपको भी मालूम है कि डेरिवेटिव कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स अ बिग एंड इम्पल अमाउंट्स ऑफ टॉपिक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि अगर ये डेरिवेटिव इतना छोटा मोटा टॉपिक है ना, तो किसी एक ने इसको इन्वेंशन नहीं किया होगा, किसी ने छोटी छोटी इसकी क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन किया होगा, तभी जाके ये इन्वेंशन हुआ होगा। तो इसको इन्वेंशन करने वाले मैक्सिमम तीन लोग का नाम आता है हिस्ट्री में। पहले का नाम है गॉटफ्रेड विलहेलम लेबनिस। पहले साइंटिस्ट का नाम आता है गॉटफ्रेड विलहेलम लेबनिस। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या आता है, जोसेफ लुइस लग्रांज। दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है जोसेफ लुइस लग्रांज। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि तीसरा साइंटिस्ट का नाम जो हम लोग को बहुत फैमिलियर है, अगर आप फिजिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो उस साइंटिस्ट का नाम आपको बरोबर मालूम होगा। उस साइंटिस्ट का नाम है सर आइजेक न्यूटन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आइजेक न्यूटन का डेरिवेटिव में क्या काम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन होगा कि सर आइजेक न्यूटन का मैक्सिमम इनमें क्या काम। तो आइजेक न्यूटन्स का ये डेरिवेटिव में इसलिए काम है क्योंकि डेरिवेटिव का रोल वहाँ पे फिजिक्स में काम आता है जहाँ पे आपको ये तो मालूम होगा कि फिजिक्स के मैक्सिमम फॉर्मूले आइजेक न्यूटन ने ही दिए हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो आइजेक न्यूटन ने दिया है। लेकिन जब भी डेरिवेटिव का हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन में इन दी फिजिक्स, फिजिक्स का जब भी हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन सॉल्व करने के वास्ते डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। अब डेरिवेटिव यूज़ कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूले हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अब ये चीज़ हम लोग क्या देख लिया, पहला क्वेश्चन कि डिफाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, किसको इसने मतलब ये डेरिवेटिव को किसने इन्वेंट किया, इसके इन्वेंटर्स कौन कौन से। तो ये तीन लोग, इसके पहला नोटेशन में दो डिस्क्रिप्शन है, गॉटफ्राइड का नाम और दूसरा जोसेफ, दूसरे नोटेशन में सर आइजेक न्यूटन ने मिलके किया था। ओके, आप क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हो गया कंप्लीट, अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, तब तक मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर थ्री पे जाने से पहले कि ऐसे डेरिवेटिव अगर आपको सॉल्व करने का है, अगर डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझना है तो आपको बेसिक क्वेश्चन हर चीज़ का जानना ज़रूरी है। बेसिक क्वेश्चन बोले तो अगर आपको ये थ्योरेटिकली हो गया था, अभी इसके आगे हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। मैथमेटिकली जैसे फॉर्मूलेज वगैरह हो गए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, और क्या बोलते हैं अपना लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव जैसे लॉगरिथमिक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, ये सब आपको मानना जरूर आपको याद करना ज़रूरी है। और ये याद नहीं करना है, याद कभी कोई भी चीज़ फॉर्मूले, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है 4 से 6 साल मैंने भी जो स्टडी की है, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एमएससी में सॉरी एमई अभी प्रसूइंग चल रहा है मेरा, तो मेरे जहाँ तक मैं फॉर्मूले कभी भी बाय हार्ट नहीं करके याद किया हूँ, मैं उसको हमेशा सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बेसिस में मेरे को फॉर्मूले ऑटोमेटिक रीड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाते हैं। तो आप भी स्टूडेंट्स कभी फॉर्मूले याद मत करो, स्टार्ट में एक बार याद करो, उसके बाद आप जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे 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 उसकी आदत हो जाएगी। आप दिमाग कभी भूल भी गए तो आप उसके जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक दिमाग से हाथ से अपने आप ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोले तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या था, पहला हम लोग देख लिए डिफाइंड डेरिवेटिव, दूसरा देख लिए इन्वेंटर ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंस, बिकॉज हर चीज़ तो हम लोग देख लिए लेकिन डेरिवेटिव यूज़ कहाँ होता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि डेरिवेटिव हम चलो पढ़ लिए, क्या हो गया, सब मालूम पड़ गया, इतना मेरे को आता है, लेकिन भाई डेरिवेटिव यूज़ कहाँ होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपस में कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई डेरिवेटिव हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, इट इज़ अ मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट्स। पहला एप्लीकेशन, अगर पहला पॉइंट की तरफ जाया जाए तो इसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टू चेक दी प्रॉफिट एंड लॉस, टू चेक द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। बिजनेस में उतार चढ़ाव के जैसे भी अपना ऊपर नीचे कुछ भी होता है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसको डेरिवेटिव को यूज़ करके ही किया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल के बेसिस पे अगर मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर मैं लेता हूँ तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, डेट इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट, स्टॉक और शेयर मार्केट, यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोग कभी टीवी वगैरह में ऐड वगैरह देखे होंगे तो देख, आप कभी एडवर्टाइज वगैरह में देखे होंगे कि सेंसेक्स इतना बढ़ा, सेंसेक्स इतना घटा, सर शेयर मार्केट इतना उठा, शेयर मार्केट इतना घटा। तो वो इंडियन के, वो सब इकोनॉमी, इंडियन बोले तो हर कंट्री के एक इकोनॉमी होती है, तो पूरा शेयर मार्केट का प्रॉफिट कितना किसको हुआ, किसने इतना शेयर खरीदा तो उसका कुछ प्रॉफिट होता है, उसको लॉस होता है, वो सब डेरिवेटिव के कैलकुलेशन के बेसिस पे ही आता है। तो ये एप्लीकेशन इट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो सेकेंड के पार्ट की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो सेकेंड पार्ट आपको मालूम होगा। सेकेंड पार्ट जैसे कि आप डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व करने में, तो इट ऑल्सो यूज़, इट्स ऑल्सो यूज इन द फिजिक्स। फॉर ड्राइव ऑफ डेरिवेशन, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी डेरिवेशन सॉल्व किए होंगे तो आपको आपको सॉरी आपने जब भी डेरिवेशन सॉल्व किए होंगे फिजिक्स के अंदर, तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले 100% आपको एक या दो फार्मूले मिलेंगे ही। जैसे कि आप कैसे मिले होंगे, फॉर एग्जांपल उसके बेसिस पे आपको कैसे मिले होंगे कि डी एस बाई डी टी ऐसा कुछ आया होगा, या फिर क्या बोलते हैं अपना, अपने को एक्सेलरेशन निकालने का अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी बाई डी टी किए होंगे, या फिर टेम्परेचर के वेरिएशन के वास्ते निकाले होंगे, टेम्परेचर का वेरिएशन बोले तो डेल्टा टी की बेसिस पे निकाले होंगे, टी टू माइनस टी वन ऐसा कुछ किए होंगे। तो ये सब साइन जो डी और ये डेल्टा, ये सब साइन जो है डेरिवेटिव की ही साइन है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हो गए हम लोग। अब हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू चेक दी, टू चेक और डिटरमाइन दी वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर थ्री यहां पे कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर थ्री पहला क्या हो गया, टू चेक दी प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस, स्टॉक मार्केट्स वगैरह हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट्स ऑल्सो यूज इन द फिजिक्स फॉर द ड्राइव ऑफ द डेरिवेशन। तीसरा क्या होगा, टू चेक द डिटरमाइन द वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो आपको ये एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर जो, सॉरी पॉइंट नंबर टू के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ डेल्टा टी, डेल्टा टी जो हम लोग निकालते हो तो टी टू माइनस टी वन के बेसिस पे, यहाँ टेम्परेचर के वेरिएशन के वास्ते यूज़ किया जाता है। तो ये डेल्टा टी, ये जो डेल्टा है ये डेरिवेटिव की ही एक साइन है। ओके, तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री आपको समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तब तक मैं इसको रब करता हूँ। पॉइंट आंसर नंबर थ्री के अंदर ही पॉइंट नंबर फोर की अगर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर फोर में आप लोग ये भी, आप लोग बोले होंगे कभी देखो गाड़ी जब चलाते हैं उसको वो बोलते हैं मेरी गाड़ी इतनी एवरेज दे रही है, मेरी गाड़ी 50 की एवरेज दे रही है, मेरी गाड़ी 60 की दे रही है, तो कोई बोलता है मेरी गाड़ी 30 की एवरेज। तो वो एवरेज का कैलकुलेशन कैसे निकलता है, वो वेलोसिटी के बेसिस पे निकलता है। वेलोसिटी बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन क्या पढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल,
तो ये डेट इज़ कॉल्ड एस इज़ अ फंक्शंस, एस इज़ अ फंक्शंस। ओके, डेफिनेशन भी यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। एस इज़ अ फंक्शन, फंक्शन बता दिया। अब रेट ऑफ, रेट बोले तो यहाँ पे टाइम, टाइम तो रेट का भी काम कर रहा है और यहाँ पे वेरिएबल्स का भी काम कर रहा है, रेट और वेरिएबल दोनों का काम कर रहा है। ओके तो यहाँ पे डेरिवेटिव की साइन इस्तेमाल हुई है, डेरिवेटिव के जो साइन है यहाँ पे यूज़ हुआ डी डी, तो डी जो डेरिवेटिव के साइन है, तो यहाँ पे जो चौथा नंबर का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो चौथा पॉइंट है वो क्या यूज़ कर सकते कि टू टू यूज़ द टू चेक दी टू डिटरमाइन और चेक दी वेलोसिटी इन दी बाइक। ओके, यहाँ पे अपना तीन एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पे थ्योरेटिकली पूरी ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है, इसको अच्छे से आप पढ़िए और समझिए। अब थ्योरेटिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपसे कोई पूछ और आप बता नहीं पाओ, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको हर जगह कोई भी पूछ सकता है कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, कैसे क्या यूज़ होता है। अब हम लोग फर्स्ट एकदम बेसिक पे जाते हैं। पहले कोई सी भी डेरिवेटिव को सॉल्व करने से पहले हमको मैक्सिमम हमको फार्मूले वगैरह लिखना पड़ेगा। ओके, तो फार्मूला नंबर वन की बात करूँ मैं, तो पहले हम लोग एकदम बेसिक फार्मूला जो आपको मालूम होगा डेरिवेटिव में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे यूज होता है पहले वहां से सीखेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, तीसरा अभी क्या होगा, तीसरा का फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप याद रख लो यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये छह चीज़ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल, जो ये छह चीज़ के फंक्शन को डिनाइड करेंगे, एलाइड एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये छह चीज़ को ही आपको घूम घाम इधर से उधर करके ही आपको फॉर्मूला बनाने का है। साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों हो गया है। अभी क्या बचा अपना टेन एक्स, टेन एक्स से अगर मैं डेरीवेटिव करता हूँ तो टेन एक्स का डेरीवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, टेन एक्स का डेरीवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया। क्वेश्चन फार्मूला नंबर फोर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, मैक्सिमम आपको इसके अंदर 18 से 20 फार्मूले मिलेंगे डेरिवेटिव के, बाकी आपको दो चार फार्मूले एक्स्ट्रा में भी मिल सकते हैं, लेकिन 18 से 20 फार्मूले में आप एमएससी मैथ्स, इन केस मैं पीएचडी की भी बात कर सकता हूँ कि पीएचडी तक भी आप कंप्लीट करेंगे, तो इससे आपको 2 से 4 फार्मूला का वेरिएशन मिलेगा डेरिवेटिव में, बाकी कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है अपना 10th 12th, अपना क्या बोलते हैं बी का डिप्लोमा के भी मैं पूरा मैथ्स उठा के पढ़ चुका हूँ, डिग्री के भी पूरे मैथ्स उठा के पढ़ चुका हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी हो या बामू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी दो तीन पुणे यूनिवर्सिटी का मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैथ्स का कोई भी वेरिएशन कुछ अलग नहीं आया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव में आप यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा है तो पुणे में यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो कॉस एक्स का वहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही पूरा यूनिवर्सल पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ही मिलेगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। स्टूडेंट्स आपको डेरिवेटिव से फेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आपको नए नए टॉपिक से समझाऊंगा इसको, नए नए ट्रिक से कि कैसे सीखने का है डेरिवेटिव। ओके, तो फार्मूला नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है, तो फार्मूला नंबर फोर टेन एक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे टेन एक्स का, तो टेन एक्स कंप्लीट हो, अभी क्या चौथे पे आ रहे हैं हम लोग सेक एक्स। ओके, सेक एक्स का क्या रहेगा, टेन एक्स इंटू इंटू बोले तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड की साइन बोल सकते हैं हम लोग, या तो आप मल्टीप्लाइड लिखो या तो इंटू करेंगे, इट इज़ सेम। ओके, फार्मूला नंबर फाइव, फार्मूला नंबर फाइव क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, अभी क्या बचा कॉसेक एक्स। ओके सॉरी, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ओके, फार्मूला नंबर फाइव कंप्लीट हो चुका है, फार्मूला नंबर सिक्स के अगर फाइव फार्मूले हो चुके हैं, छठे फार्मूले में हम लोग कॉस एक्स का भी देख चुके हैं, अभी कॉट एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा,
फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको एकदम इजी लेके ले चलने का, आपको कुछ भी इसमें डाउट नहीं होएगा जब तक मैं हूँ, आपको कुछ भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपको छः एंगल का फॉर्मूला, आपको ट्रिग्नोमेट्री के छः यही फार्मूला आपको मिलेगा कॉस एक्स का सीधा सीधा। जब इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस है, वो भी उतना हाई लेवल का चेंजेस नहीं, एकदम छोटे मोटे लेवल का चेंजेस है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छः फार्मूले इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सातवां फार्मूला देखते हैं। सातवें फार्मूले में बेसिक बेसिक फार्मूला अब हमारे पास इधर देखेंगे हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ए रेस टू एक्स का क्या फार्मूला है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। ओके, फॉर्मूला नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स ऐसा फॉर्मूला है जो आपको डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में सेम मिलेगा। सेम का डेरिवेटिव मतलब सेम बोले तो कैसा क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आप करते हो तो ई रेस टू एक्स ही उसका फंक्शन आएगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बहुत रेयर केस है जो आपको चेंजेस मिलेंगे, बहुत हाई लेवल पर चेंजेस मिलते हैं, आपको लोअर लेवल पर चेंजेस नहीं मिलते हैं। और ये सेम ई रेस टू एक्स का आप इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ई रेस टू एक्स ही आने वाला है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। फॉर्मूला नंबर 9 की अगर बात करूं मैं तो फार्मूला नंबर 1 सॉरी फार्मूला नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो डी बाई डी एक्स का एक्स रेस टू एन एन इंटू एक्स एन माइनस 1, फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 10 जो आपको अच्छे से मालूम होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। आप कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। कांस्टेंट आपको कभी भी सिंगल कांस्टेंट नहीं मिलेगा। सिंगल कांस्टेंट बोले तो दो तरह के होते हैं, डेट इज़ वन इज़ प्योर कांस्टेंट एंड सेकंड इज़ सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट क्या होता है, प्योर कांस्टेंट क्या होता है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं उसके वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वो उसका सेमी कांस्टेंट्स का क्या रिलेशन है और प्योर कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। फॉर्मूला नंबर 10 इज़ कंप्लीटेड। फॉर्मूला नंबर 11, 11 व्हाट इज 11? डी बाई डी एक्स रूट एक्स 1/2 √x, 1/(d/dx) √x का जब भी आपको आया रूट एक्स का आप लिखो या फिर आप इसका फॉर्मूले से बनाएंगे तो भी यही फार्मूला बनेगा, लेकिन रूट एक्स का कभी कभार रूट एक्स का आपको कॉम्प्लिकेशन लगता है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली 1/2 √x, 1/2 √x, 1/2 √x लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं कहीं पे भी, एक आप अच्छी जगह लिखे ताकि आप डेरिवेटिव सॉल्व करते टाइम आपको देखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन एक या दो टाइम देखिए, हमेशा आप देखेंगे तो एक आदत लग जाएगी आपको, तो सिर्फ स्टार्ट में देखिए, उसके बाद आप बिना देखिए ये को फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। ओके, फार्मूला नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया, अभी फार्मूला नंबर 12 देखेंगे। मैक्सिमम मैं आपको 19 से 20 फार्मूला बताऊंगा, उसी पे ही मैक्सिमम 80% डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। 20% का जो डेरिवेटिव है उसमें थोड़े थोड़े वेरिएबल्स के चेंजेस है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ओके, फार्मूला नंबर 12 पे अभी क्या है वो हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला 11 तक कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूला नंबर 12 की अगर अब हम बात करें, फॉर्मूला नंबर 12 में देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 12 में जब हम लोग देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1/(x) ही शो करेगा, उसके अलावा कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि लॉग एक्स का भी, और ये लॉग एक्स जो है नेचुरल लॉग है। ओके, नेचुरल लॉग बोले को यहाँ पे लॉग का आपको मालूम होगा, नेचुरल लॉग आप देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम जब फार्मूला जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा ये लॉग लॉग टू दी बेस ई है या लॉग टू दी बेस 10 है, यह आपको, क्योंकि लॉग में अक्सर प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि सर ये किस टाइप का लॉग है, लॉग टू दी बेस ई है या लॉग टू दी बेस 10 है। अगर लॉग टू दी बेस ई है तो लॉग 10 क्या है, ये दोनों आपको मैं बताऊँगा, उसका आप बेफिक्र हो जाइए, उसका टेंशन मत लीजिए।
फार्मूला नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, फार्मूला नंबर 13। अब फार्मूला नंबर 13 यहाँ से मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आऊँगा, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, इनवर्स में होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन बोले तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की बात किया तो 1/√1 − x2, ये फार्मूला आपको आएगा 1/√1 − x2। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम फार्मूला। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन बोले तो डी बाई डी एक्स अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का करता हूँ, तो आप यही फार्मूला लिखने का है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का आपको, बस करना क्या है यहाँ पे माइनस लगा देने का आपको। इसके अंदर कुछ डाउट हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, साइन इनवर्स आपने याद किया, आपको कॉस इनवर्स का भी फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो गया। ओके, फार्मूला नंबर 15 के अंदर आएंगे। फार्मूला नंबर 15 जब याद करें हम लोग, तो फॉर डेरिवेटिव ऑफ जब देखेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 + x2। ओके, अब ये एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स इज द फंक्शंस, यहाँ पे जो एक्स रहेगा, अगर आप यहाँ वाई लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको वाई ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी वाई लेना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से मैं ये समझाऊंगा, ज़रूरी नहीं हमेशा एक्स का ही हो, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल चेंजेस हो रहे तो कहाँ के, अब ये वेरिएबल चेंजेस हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंट अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। एक्स को छोड़ के यहाँ पर जो भी टर्म आएंगे वो कॉन्स्टेंट ही कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है ये कॉन्स्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम ना, सॉरी, फार्मूला नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। फार्मूला नंबर 17 यहाँ पे अभी देखो, 1, 2, 3 हम लोग क्या पहले देख चुके थे, 6 तक देख चुके, तो 3 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुका है। तो डी बाई डी एक्स ओके सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू −1/√1 + x2। कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं हो, अगर आपने टेन इनवर्स याद किया तो आपको सेक इनवर्स ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फार्मूला नंबर 16 हो गया। फार्मूला नंबर 17 की बात करूँ अगर मैं, फार्मूला नंबर 17 में थोड़ा सा चेंजेस है। फार्मूला नंबर 17 में क्या चेंजेस है, फार्मूला नंबर 17 में क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ फार्मूला नंबर 17 के अंदर शायद कुछ गड़बड़ है, हाँ सॉरी, फार्मूला नंबर 16 का जो रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉट एक्स का रहेगा, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का है ये। ओके, फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर हम लोग देखें, कॉसेक से पहले हम लोग कॉस सेक का देख लेते, सेक इनवर्स एक्स का तो 1/√x²−1। ओके स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 18 का भी देखते हैं। फार्मूला नंबर 18 क्या है अपना, डी बाई डी एक्स सेक हो चुका है अभी, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/, सेम फार्मूला यही आपको लिखने का है, सिर्फ चेंजेस क्या करने का, आपको माइनस में चेंजेस करने का है, माइनस यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे 6, मतलब आपको एक फार्मूला आप याद करें तो दूसरा फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, तो फार्मूला नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया है। फार्मूला नंबर 18 कंप्लीट करने के लिए कर तो हो चुका है हमारा। फार्मूला नंबर 16 जरा ध्यान से लिखिए, क्योंकि एक बार गलती हुई है मेरे से, तो आप लोग कोशिश करके ध्यान से लिखो। वैसे यहाँ पे आपको जो भी गलती है, मेरे को अगर समझ में आ रही है कि मेरी गलती हुई है, तो मैं उसको पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा कुछ गलत चल रहा है या गलत पढ़ा रहा हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ओके, तो फार्मूला नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैक्सिमम इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट टू फार्मूला इन दी डेरिवेटिव, जैसे कि पहला फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला, डेट इज़ प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन रूल, डेट इज़ कॉल्ड डिवाइड रूल भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि 20 फार्मूले तक मैक्सिमम है, तो 18 फार्मूले यहाँ कंप्लीट हो चुके, दो फार्मूले बच्चे, डेट इज़ वन इज़ प्रोडक्ट रूल, सेकेंड इज़ क्वेश्चन रूल। ओके, तो यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, इससे पहले कि इरेज करने से पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो या फिर लिख लो। ओके स्टूडेंट, ओके,
फार्मूला नंबर 18 तक हम लोग देख चुके हैं, अभी फार्मूला नंबर 19 की तरफ आएंगे। फार्मूला नंबर 19 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ, जैसे अब फार्मूला नंबर 19 जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। चैन रूल जो है, चैन जो है एडिशन रूल है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो हम इसके जगह यही मैक्सिमम यूज़ करेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी, यू इंटू वी बोले तो दो फंक्शन के यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का हम लोग सॉल्व करेंगे। यू इंटू वी, तो यू इंटू वी बोले तो यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी किसके फंक्शन के साथ करेंगे, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ मैंने एक्स लिया, अगर यहाँ पे वाई लेता तो यहाँ पे भी मेरे को वाई लेना पड़ता, प्लस वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू का डी बाय डी यू बाय डी एक्स। ओके, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हुआ। दूसरा डिवाइड रूल बोलते हैं हम लोग, इसको अपनी लैंग्वेज में डिवाइड रूल भी आप बोल सकते हो, डिवाइड रूल। ये फॉर्मूला नंबर 20 का बेसिस है। ओके, डी बाय डी एक्स यू अपॉन वी, ये सबसे अच्छा लिखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखा, उसका यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में लिख के स्क्वायर कर दीजिए, वी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे वी लिखा है तो यहाँ पे वी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे वी एज इट इज़ लिखिए, फिर यू का डेरिवेटिव कीजिए आप, डी यू बाय डी एक्स। ओके, फिर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर लिख दीजिए। अब आपने यू का डेरिवेटिव कर लिया एक बार, तो यू का आप दोबारा डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू एज इट इज़ लिखिए। ओके, फिर इनटू, जैसे यहाँ के बीच में इनटू है वैसे यहाँ पे भी इनटू। अब यू का डेरिवेटिव हो चुका, अब वी का डेरिवेटिव देखेंगे। वी का डेरिवेटिव क्या है? डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे ये भी फार्मूला कंप्लीट होता है। तो आपको डेरिवेटिव में इतने ही फार्मूले मिलेंगे, इसके अलावा आपको सिर्फ 5 से 10 फार्मूले मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी फार्मूले नहीं मिलेंगे आपको। तो ये थे फार्मूले, क्योंकि हर चीज़ सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद करना ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक क्वेश्चन के ये जितने भी आप फार्मूले हैं इस पर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं एक मेरा मेथड एक और है, जिसको मैं बोलते हैं PFA मेथड। PFA मेथड, ये PFA मेथड क्या है? ये पूरा डेरिवेटिव का एक समझ लो निचोड़ है। निचोड़ बोले तो ये PFA मेथड आपको मैं बताऊंगा कि PFA मेथड से कैसे डेरिवेटिव सॉल्व करते, इसका ही यूज़ क्यों होता है डेरिवेटिव में, इसका यूज़ करके हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, इसी के बेसिस पे फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PFA देखेंगे। ओके वीडियो, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ डेरिवेटिव का। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, तो प्लीज़ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको अपनी राय थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।